मेरी आवाज न्यूज 24 लाइव में आपका खैर मकदम। एमपी चिकली कर के हाथों अब्दुल अजीज कुरैशी के राबते ऑफिस का इफ्तिताह। जिला शहर के मारूफ समाजी खिदमतगार अब्दुल अजीज कुरैशी को बीजेपी शोबे अकलियत के शहर जिला सदर नामजद किए जाने के बाद आज नांदेड़ के रुकन पार्लियामेंट श्री प्रताप पाटिल चिकलीकर ने अब्दुल अजीज कुरैशी के इतवारा में वाक़ राबते दफ्तर का इफ्तिताह किया। इफ्तिताह से कबल श्री प्रताप पाटिल ने इतवारा में वाक़ दरगाह हजरत दिलदार शाह वली अल्लू मियाँ वली रहमतुल्लाह अलैह पर चादर गुल चढ़ाई। सूफी अली बाबा ने फातिहा ख्वानी की। वाज़ेह रहे शहर के मारूफ समाजी खदमत गुजार अब्दुल अजीज कुरैशी ने हालिया पार्लियामानी इलेक्शन में श्री प्रताप पाटिल चिकलीकर की कामयाबी के लिए शदीद मेहनत की थी। उनकी कारकर्दगी से मुतमईन होकर उन्हें नांदेड़ बीजेपी शोबे अकलियत का जिला शहर सदर नामजद किया गया। इफ्तिताही तकरीब में मेहमानों का इस्तकबाल जनाब अब्दुल अजीज़ कुरैशी ने किया। श्री प्रताप पाटिल एमपी की शालपोशी और गुलपोशी करते हुए अब्दुल अजीज़ कुरैशी ने श्री पाटिल को तहनीत पेश की। इफ्तिताही तकरीब में साबिक एमएलए ओम प्रकाश पोकरना, श्री दिलीप कंद कुर्ते, बाड़ू खोमने, सूफी अली बाबा, यूसुफ पटेल, अकबर खां, शेरा अब्दुलरहीम, बीजेपी के सरकर्दा कायदीन और कारकुनान मौजूद। इस मौके पर एमपी प्रताप पाटिल की लोगों ने बकसरत गुलपोशी की। और दिलीप भाई आपका भी मैं बहुत अभिनंदन करता हूँ कि अच्छे आदमी की अपने जिला अध्यक्ष बोल के यहाँ चयन किया है। अजीत भाई के नेतृत्व में आप बॉडी बनेंगी, काम होएगा। अब तो बूथ तक जाने की बात भी आपने की है, हर बूथ पे अपने को सब लोग जल्दी नहीं मिलेंगे, जितने भी लोग मिले उस तरीके से काम करो पूरे ताकत के साथ। ये पूरे यहाँ के हमारे सभी साथी आपके साथ रहेंगे, इतना यहाँ बोलता हूँ। हमारा सबका आप लोगों ने बड़े पैमाने पे सत्कार किया, उसके लिए सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ। हम आपको ये यकीन दिलाएंगे कि हम गली गली जाकर बूथ कमेटी बनाएंगे, सदस्य नोंदनी करेंगे और भाजपा के लिए लोगों के दिलों में जो गलत फहमी है, जो मुसलमानों को निगलेक्ट करते देखते नहीं, उनका काम नहीं करते, साहब के नेतृत्व में उनकी क़यादत में मुसलमानों का सबसे ज़्यादा विकास होने वाला है, इसलिए साहब ने हम लोगों को चुना है और लोगों के करीब जाने का मौका मिला है। और साहब हर वक्त हमारे लोगों की मदद करेंगे, माइनॉरिटी का जो भी फंड रहेगा सबसे पहले कोशिश करके नांदेड़ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड लाने देने की कोशिश करेंगे। दो नाम जाहिर कर रहे हैं हम, एक अली बाबा को नायब सदर और हमारे डॉक्टर सिद्दीकी कुरैशी को सेक्रेटरी मुंतखब कर रहा हूँ मैं, और इसके साथ ही कार्यकारिणी बहुत जल्दी कंप्लीट कर दी जाएगी। हमारे 15 अगस्त को हमारे जमीर पठान साहब को उपाध्यक्ष बनाया गया है। अभी तक दो उपाध्यक्ष और एक सेक्रेटरी का हमने ऐलान किया है। 2019 को अकलियती शोबे के सदर की नामजदगी जनाब चिकलीकर साहब के नेतृत्व में अब्दुल अजीज़ कुरैशी साहब को नामजद किया गया सदर शोबे अकलियती के अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष। विधानसभा के इलेक्शन है, मुसलमानों को ये तरगीब दी कि जिस तरह से लोकसभा में गलती हम कर चुके हैं, आने वाले आइंदा लोकसभा में विधानसभा में इस तरह की गलती नहीं होनी चाहिए। और हम बीजेपी पार्टी का कोई भी उम्मीदवार अगर देंगे तो उसको हम आप यानी मुसलमान उसको जीत के लाएंगे, ये इस तरह का एश्योरेंस लिया है, वादा लिया है। मुसलमानों ने भी उनको साथ देने का बिल्कुल वादा किया और हम चिकलीकर साहब के साथ हैं। यहाँ पे ऑफिस की इफ्तिताह हुई, जनाब आली जनाब चिकलीकर साहब के हाथों से आज इफ्तिताह हुई और मेरे दोस्त डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक को भी सेक्रेटरी की पद आज नियुक्ति हुई अल्पसंख्या में, और मुझे भी नांदेड़ शहर माइनॉरिटी भारतीय जनता पार्टी उपाध्यक्ष की पद नियुक्ति हुई। इंशाअल्लाह ताला हम सब सारे लोगों के काम करेंगे। मैं हमारे जफरुद्दीन बाहुद्दीन साहब का शुक्रगुजार हूँ और हमारे दोस्त अब्दुल अजीज़ कुरैशी का शुक्रगुजार हूँ, और हमारे जितने लोगों ने हमारा साथ दिए काम करने में, जितने लोग यहाँ शरीक हुए इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ कि हम सब मिलके ऐसी काम करेंगे हमारी कौम के लिए। हम सब एक जगह आके इंशाअल्लाह ताला विधानसभा के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी का काम करेंगे, हमारे चिकलीकर साहब के हाथ मजबूत करेंगे जो हर इंसान के।